तो बच्चों आज है तुम्हारा टेस्ट। अगर किसी ने भी चिट छुपाई है तो अब भी दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा। सर ये लीजिए, ये मैं गलती से ले आया था। ओके बेटा गुड। लोकी सर आप बेवजह मुझ पर शक करते हैं, इस बार मैं कोई भी चीटिंग नहीं लाया हूँ। बेटा मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, अगर मार नहीं खाना चाहता तो चुपचाप चिट दे दे। सर मैं तो मजाक कर रहा था, ये मैं गलती से ले आया था टोनी की तरह। देखा ओए गधे के सिंह। सर और नहीं है। अच्छा लाओ अपना इरेजर दिखाओ। ये क्या है बे? सॉरी सर। कहाँ चले? बॉटल लाओ अपनी। चल अपना पेन दिखा। सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर भी एक चीट थी। चले मैं तो तेरा अटेंडेंस लेने के लिए पेन मांग रहा था। भूतों के स्कूल में तुम सबका स्वागत है। आज तुम सबका होमवर्क है कि जाके इंसानों को मारो। वाह क्या होमवर्क है, आज मैं कम से कम 10 इंसानों को तो मार ही डालूंगा। मैं तो कम से कम 25-30 इंसानों को मार डालूंगा। अबे यार मैं तो इंसान हूँ, मैं इंसानों को क्यों मारूंगा? और ये लोग तो पता नहीं कितने लोगों को मार डालेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। टोनी यही मौका है, 4-5 लोगों को मार दो और ये साबित कर दो कि तुम भी भूत हो। हाँ हाँ ये क्या बोल रहा है ये? अब तू देख मैं इंसानों को कैसे मारता हूँ। अबे ये तो सच में इंसानों को मार रहा है, मुझे सबको बचाना पड़ेगा। ओए छोटे सुन यहाँ से जल्दी निकल, इंसानों को खतरा है। ये क्या कर रहा है, ये तो इंसानों को बचा रहा है। अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो यहाँ पर क्लिक करिए। टोनी ये लो तुम्हारी कैंडी। एक सेकंड, सबको तो ऑरेंज मिलने वाली थी ना? अरे रिलैक्स वो बस न्यू कलर बनाया गया है। हे कैप्टन तुम्हें क्या लगता है ये न्यू कैंडी कैसी है? क्या क्या मतलब तुम्हारा? अरे वही पिंक कैंडी, क्या किसी को भी आज ये कैंडी नहीं मिली? नहीं मेरी तो ऑरेंज थी। OMG आई होप कि तुम ठीक हो, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। सुपर पावर लोड हो रही है। ये क्या है? खैर तो तुम सब मैथ्स के टेस्ट के लिए रेडी हो? जो बे हम सब तो जानते हैं कि तू फेल होने वाला है। क्या? अरे नहीं मैंने सच क्यों बोला? टोनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, कहीं तुम मेरी नताशा को पटा ना लो। क्या? गुड मॉर्निंग दोस्तों। टोनी मुझे अपनी होमवर्क कॉपी दो वरना मैं इसे दोबारा चुरा लूंगा। एक सेकंड मैंने ये क्यों बोला? कहाँ जा रहे हो? स्कूल। वैसे डैड कल जो मैंने पिंक कैंडी खाई उसके बाद से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। तब तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले एक बच्चे को भी पिंक कैंडी मिली थी और जब वो अगले दिन स्कूल गया तो वो गायब हो गया। बच्चों पता है ये कौन है? सर आपका साला। चुप्पे साले। बच्चों ये रोबोट है। रोबोट? रोबोट रोबोट? पर सर ये रोबोट स्कूल में क्या करने आया है? ये रोबोट झूठ बोलने वाले को थप्पड़ मारता है। टोनी जरा ये बताओ कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? वो सर मेरा पेट दर्द हो रहा था। झूठ झूठ। अभी बताता हूँ उस समुद्री डाकू को। सर वैसे इंग्लिश वाली मैडम आपकी बहन लगती है ना? साले। हाँ हाँ झूठ झूठ। और सर मैंने सुना है कि आप बेड पर सुसु कर देते हैं। क्या? नहीं नहीं मैं बेड पर सुसु नहीं करता हूँ। झूठ झूठ। तालो कमीनो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मुझसे पंगा ले रहे थे। ओए तुझे पता है अपना ये स्कूल शमशान घाट के ऊपर बना है और कोई भी ना ये ब्लैक मैजिक स्प्रे लगाता है तो उसके अंदर एक आत्मा की साया आ जाती है। भाई तू पागल है क्या? ये ब्लैक मैजिक स्प्रे लेकर स्कूल में क्यों आया? फेंक इसे। अभी कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ला एक बार तेरे ऊपर लगा के ट्राई करते है। नहीं 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 अबे तूने ये क्या किया? अबे अबे भाई भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ये तुझे क्या हुआ? अबे टोनी इसके तो सच में आत्मा घुस गई। अबे होए तूने मुझे बुलाया है ना, जा मेरे लिए एक बाल्टी दारू लेकर आ, मुझे पीना है। अबे ये क्या बोल रहा है? मेरे लिए दारू लेकर आ, जा। अबे यार ये इसको क्या हो गया? तू मेरे लिए दारू लेकर आ वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे ये इसको क्या हो गया? अब इसके अंदर से आत्मा को कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। क्या मैं 10 साल तक देख सकता हूँ लेकिन उसके बाद? उसके बाद क्या? या फिर मैं पूरी जिंदगी नहीं देख सकता लेकिन मैं जिंदा रहूंगा? भाई जल्दी से कोई एक चूज करो। ठीक है
टोनी तुमने सच में 10 साल जीने के लिए चूज करा है? हाँ, और तुमने? मेरा ऑप्शन था कि मैं मॉन्स्टर बन जाऊं या फिर 10 साल तक जिंदा रहूं, तो तुमने क्या चूज किया? किसने किसने मेरा वाला ऑप्शन चूज किया है? मैंने। और मैंने भी। ठीक है, तो हम सब टोटल 10 लोग हैं, तो हमें यहाँ से भागने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। डैड, जब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या आप मुझे खा जाएंगे? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या, तुम्हें पता है 80% बच्चे मॉन्स्टर बन रहे हैं? हे दोस्तों, जरा अपने खाने को तो देखो। ओए, हमारे पास 10 साल और बचे हैं, समझे? हम तुम्हारे टाइमर को देख सकते हैं, समझे? मेरा सारे टाइम अचानक से गायब हो गया। हमारे पास तो 5 साल और बचे थे ना। चलो मॉन्स्टर्स, अपने खाने पर टूट पड़ो। नहीं नहीं नहीं, टाइमर में कुछ गड़बड़ है। जो भी हो, टोनी तुम तो मॉन्स्टर हंटर बन गए हो, अब इन मॉन्स्टर्स को छोड़ना मत। क्या, भागो। अपने डैड को स्माइल कराओ। ये तो बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग डैड। उठ गए तुम? क्या हुआ? अरे डैड, आज तो आप कितने यंग लग रहे हैं। आज आप मेरे साथ स्कूल चलो, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अरे बेटा तुम भी ना। मुझे समुद्री डाकू को स्माइल कराना है। अरे वो कभी हंसते भी हैं? अरे समुद्री डाकू आ गया। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप कितने अच्छे सर हैं, आप हम लोगों के लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के हमें टफ टफ मैथ्स पढ़ाते हैं। मुझे पता था एक दिन तुम सबके सब मेरी कीमत जरूर समझोगे, और इसी खुशी में आज मैं तुम सबको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। और आज ही क्यों, मैं आपसे रोज तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। क्या, अपनी बहन को स्माइल कराओ? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। क्या हुआ टोनी? डैड ये बताइए, मेरी कोई बहन है? वो बेटा मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तो क्या आप लोग आयरन मैन को स्माइल कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट में लव यू 3000 लिखोगे? चूज वन। तुम्हारे डैड हर बात पे हाँ बोले या हर बात पे ना बोले? अरे वाह। डैड आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। हाँ बेटा ठीक है। अरे मैंने इसे हाँ क्यों बोल दिया? यस। और डैड मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, तो क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? हाँ ये लो। थैंक्स डैड। हे दोस्तों, तुम लोगों ने वाली न्यूज सुनी कि एक चोर इलेक्ट्रिशियन बन के सबके घर में घुस रहा है और सबको मार दे रहा है और उसका सारा सामान लूट के ले जा रहा है? मुझे तो नहीं पता। मैं घर आ गया डैड। हेलो बेटा। एक मिनट, वो कौन खड़ा है डैड? वो कह रहा था कि वो इलेक्ट्रिशियन है, अंदर आके काम कर दूं, फ्री में कर दूं, और मैंने ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोल दिया, पता नहीं क्यों। डैड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। आज तुम अपना चश्मा उल्टा पहनोगे। क्या? अबे यार, अब तुम्हारी बारी, अपनी सोलमेट को लेट करा दो या फिर उसे बीमार करा दो। नहीं यार, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग डैड। ये तुमने चश्मा उल्टा क्यों पहना है? अपने डैड की बातों को इग्नोर करो। तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो टोनी? अरे तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अरे कहाँ चले? अरे टोनी तुमने उल्टा चश्मा क्यों पहना है? अबे यार मत ही पूछो, और आज तो डैड मेरी बैंड बजाने वाले हैं। आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे मुझे मेरी सोलमेट ने मेरे डैड को इग्नोर करने को बोला, मगर मैंने अपने डैड को कभी भी इग्नोर नहीं किया यार। उसे डांट सुनाओ या फिर उसकी फेवरेट ड्रेस खराब कर दो। अरे नहीं नहीं, अगर मैंने ड्रेस खराब कर दी तो पता चले मुझसे कभी बात ही ना करे। टोनी चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अपने सोलमेट का फेवरेट डायलॉग बोलो। अबे यार एल्विस भाई, क्या? डैड ये क्या है? बेटा ये तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक है, जो इंसान लगातार 500 गेम्स को जीत जाता है उसे $1,000,000 मिलते हैं। हे क्या तुम रॉक पेपर सीजर खेलोगे? ओके रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गया। अबे यार टोनी, और डोंट ब्लिंक आइज गेम खेले। अबे हार जाएगा सड़ेले बैंगन। देखते हैं। अबे कर दे ब्लिंक। हार गया। ओए टोनी रेस लगाएगा मुझसे? अरे वो मैं संडे को रेस नहीं लगाता हूँ। डर गया। ओए चेस गेम हो जाए। ओके चेकमेट, और तुम खल्लास। चीटर साला। आओ टोनी चिड़िया उड़ खेले। ओके थैनोस उड़, थैनोस उड़। ए हार गया, हार गया। भाई देख, दोनों का बस लास्ट गेम ही बचा है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं और विनिंग प्राइस को आधा आधा कर लेते हैं। ओके फाइन, तुम रॉक निकालना, मैं सीजर निकाल दूंगा। ओके ओके रॉक पेपर सीजर। अबे तुझे कैसे पता चला कि मैं चेंज कर दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही चलाको? एविल स्कूल या फिर गुड स्कूल? डैड मुझे कौन सा स्कूल चूज करना चाहिए? एविल स्कूल, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली ने वहीं से ग्रेजुएशन करी है। ओके बाय डैड, मैं गुड स्कूल जा रहा हूँ। ओह शिट, एक मिनट, मैंने तुम्हें मना करा था ना, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? सॉरी डैड, बाय बाय। अरे कहाँ चले, अब इसका क्या होगा? डैड ने मुझे एविल स्कूल चूज करने के लिए क्यों बोला? टोनी तुमने कौन सा स्कूल चूज किया? एविल स्कूल। और तुमने? ओ सेम। वैसे हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, क्या पता वो डरावना हो। सच में? हाँ, और गुड स्कूल के बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते। अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा? हे क्या ये एविल स्कूल है? यस। क्लासेस कहाँ पर है? नीचे बेसमेंट में। थैंक्स। हे हमें तुम्हें चेक करना होगा, क्योंकि तुम कुछ अलग लग रहे हो। क्या? ये लो इसे खाओ, तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए इसे खाना पड़ेगा।
काश इन लोगों को पता ना चले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।